हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो? तो अच्छे होंगे। यू आर वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रिया डिमांड 999 पर। ठीक है गाइस, आने वाली एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी और जेडी के लिए रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। ठीक है गाइस, तो पिछली वीडियो में मैंने पिछली क्लासेस में भी मैंने बताया था, वो दूसरा चैप्टर था और मैं अभी बताने जा रही हूँ दूसरा चैप्टर है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा बैटिंग व्यवस्था होती है। बैटिंग व्यवस्था जैसे हमारी होती है, बैटिंग व्यवस्था होती है। ठीक है गाइस, तो ये होता हमारा, अगर इधर बैठने की व्यवस्था, उसने कहा ए के दायां बी बैठा, बी के दायां सी बैठा, या सी के दाएं बाएं, या एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर, या एक दो स्थान छोड़कर चौथे स्थान पर, इस तरह वो बैठने की व्यवस्था किया जाएगा। वो बताएगा कि क्वेश्चन कि कैसे किस प्रकार उसको हमने करना है। ठीक है गाइस, तो देखो इधर हमेशा इसमें होता है, इधर तो होता है बायां, ठीक है गाइस, और इधर होता है दायां। ठीक है गाइस, तो इधर दायां हो गया और इधर बायां हो गया। ठीक है गाइस, तो जितने भी आएंगे, अगर वो कहेगा कि ए के बायां बी है, ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे? जब ए के बायां बी है, तो सपोज करो ए हमने यहाँ बैठा दी, तो ए के बायां बी तो तुरंत यहाँ बैठेगा। ठीक है गाइस, तो बी कैसे बैठेगा? तुरंत उसके आगे की ओर बैठेगा। ठीक है गाइस, और अगर कहता है कि बी के दायां स्थान पर सी बैठा है, तो क्या हुआ? तो बी के दाएं स्थान पर, बी के दायां यानी ए के तो क्या हो गया, बायां, और बी के दायां, तो यहाँ कौन बैठे, तो सी बैठे। ठीक है गाइस, जो क्या बैठ गया, सी बैठ गया। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन आएंगे और हमें करने होंगे। बैटिंग व्यवस्था के दो क्वेश्चन 100% आते हैं हर पेपर के अंदर। ठीक है गाइस, आने वाली एसआई के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो ये होता है हमारा बी। अब आता है दायां, तो इसके दायां होगा। ठीक है, और अगर बाई चांस कहता है कि दो स्थान, इसने क्या कह दिया कि ए के बाएं तीन स्थान छोड़कर डी बैठा है। कौन बैठा है? डी बैठा है, तो इसके कितने स्थान? तीन। तो ए के एक दो और तीन, तीन स्थान छोड़कर चौथे पे डी बैठा है। ठीक है गाइस, तो चौथे पे क्या बैठा है? डी बैठा है, तीन स्थान छोड़कर। ठीक है गाइस, तो आने वाले ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ नहीं होता। देखो वैसे हमारा जो हम ऐसा करेंगे तो ये राइट होता है। ठीक है गाइस, ये क्या होता है, हमारा हैंड के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही, ये राइट हैंड होता है, बट ये क्या है कि लेफ्ट माना जाता है। इसमें बैठिंग व्यवस्था में ये क्या माना जाता है हमारा, ये लेफ्ट माना जाएगा और ये वाला राइट माना जाएगा। देखो गाइस, इसीलिए ये इधर बायां माना गया है, इधर दायां माना गया है। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इसमें अलग से क्वेश्चन आते हैं कि बी के बाएं बैठा है, बी दो स्थान छोड़कर दाएं बैठा है, बी के दाएं, मतलब वो क्वेश्चन को इस तरह पूछ लेगा। और पंक्ति के एक तो बैठा है, मतलब गोलाकार व्रत कहता है, व्रत। ठीक है गाइस, तो वो कहता है व्रतकार अवस्था में पांच व्यक्ति बैठे हैं, तो पांच व्यक्ति हमने बिठा लिए, तीन और दो पांच, इस तरह। और एक आती है हमारी पंक्ति टाइप, ये होती है हमारी पंक्ति टाइप, ये होता है हमारा ऐसा कि वो लाइन भी कह देगा और पंक्ति भी कह देगा। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, गोल वाले और ये पंक्ति वाले, कि ए बी के बाएं, बाएं सी के बाएं, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर पेपर में ही क्वेश्चन आता है। ठीक है गाइस, तो मैं इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। ये तो एक बेसिक बेसिक था, जो कि अगर ये चीज नहीं समझ में आना तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्या है, एक बेसिक है, ये क्या हमारा एक बेसिक है, जिस तरह जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, बता दिया मतलब कि, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी सारी क्वेश्चन दे दूंगी। ठीक है गाइस, तो
तो ये अगर नहीं समझ में आया, अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन एकदम आराम से हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो, ये एग्जाम्पल है हमारा कि ए के दाएं बी बैठा है, नाम भी दे देगा, वो नाम भी कह देगा, या रमन रमन के दाया रोहन बैठा है, रोहन बैठा है, नाम भी दे देगा, ये भी दे देगा, और इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच। अगर समझ नहीं आया तो आप प्लीज करके इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ठीक है, कि ताकि मैं और नई वीडियो स्पेशल ला सकूँ आपके लिए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।